We'll start with revision of controlling. Please see here, bacho. So, सबसे पहली चीज़ ये है कि यार एक controlling शब्द का मतलब क्या होता है? What does the word control means? Can someone let me know? So, it's nothing. आपने सीधी सी बात है बच्चों, आपने CS Foundation में सोचा था कि आपके 310 आएंगे out of 400, आपके actually में आए 250. कितने मार्क का गैप है? कितने मार्क्स का गैप है? 60 मार्क्स का गैप है. Under the process of controlling, आप ये analysis करते हो कि यार ये 60 मार्क्स का गैप क्यों आया? Please hear, do not talk. आप ये कोशिश करते हो जानने की कि यार ये 60 मार्क्स का गैप क्यों आया? और ऐसी कौन सी गलतियां की मैंने जिसके चलते क्या हुआ? I got this 60 marks का gap. और ऐसे कौन से steps हैं जिनके through मैं क्या कर सकता हूँ? ये 60 marks के gap को क्या कर सकता हूँ? Avoid कर सकता हूँ. So कोई भी company हो, कोई भी organisation हो, चाहे हमारी व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा personal life हो, without controlling actually we cannot grow. जब तक हम क्या ना करें, controlling ना करें, तो हम grow नहीं कर सकते. जैसे Reliance Industry Limited. इनके रिलायंस जियो को लेकर कुछ रेवेन्यूज के टारगेट फिक्स थे. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैड फिक्स्ड सम ऑफ द टारगेट्स. किस लिए? किसको लेकर? जियो को लेकर कि जियो से 2020 में इतने का या 2019 में इतना रेवेन्यू आना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली रिलायंस ने कस्टमर बेस तो बहुत बढ़ाया बट दे कुड नॉट मीट द टारगेट ऑफ व्हाट? रेवेन्यू नहीं आ पाया उनको, जो कस्टमर से, एक कस्टमर से जो रेवेन्यू आना चाहिए, CPR बोलते शायद, PCR पर कस्टमर रेवेन्यू जो होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री, वो नहीं आया. सो आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या किया. अभी उन्होंने अपने सारे टैरिफ्स को क्या किया है, 6 दिसंबर से वो रिवाइज करने वाले. सुना होगा शायद आपने. सो ये क्या है बच्चों? इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? कंट्रोलिंग प्रोसेस. उनको लग रहा था कि 149 का डेटा बेच के, 149 का रिचार्ज ऑफर करके दे वुड अचीव देयर टारगेट, बट सर्टेनली वो अपने टारगेट्स को क्या नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए. देन दे थॉट कि हम क्या करेंगे, क्या करेंगे. उन्होंने पूरा एनालाइज किया ना कि हम किन कारणों की वजह से अपने टारगेट्स को अचीव, फिर उन्होंने देखा कि यार क्या क्या गलतियां थी. तो उन्होंने ये सोचा कि हमने रिचार्ज बहुत कम प्राइस पे ऑफर करें. तो 6 दिसंबर से उन्होंने क्या किया, 40% अपने टैरिफ्स को कितने से बढ़ाए हैं, 40%. मेरे हिसाब से जो रिचार्ज आपको 150 रुपए का पड़ता है वो हो जाएगा कुछ 220 या 230 रुपए का. इज दैट क्लियर? सो ये कहां से समझ में आता है? कंट्रोलिंग से. बच्चों कंट्रोलिंग से आपको ये समझ में आता है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी होता है और फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है. बैकवर्ड लुकिंग क्यों होता है? क्योंकि आप जो परफॉर्म कर चुके हो आप वो देखते हो और उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि फ्यूचर में आपको करना क्या है. अच्छा, ज्यादा बैकवर्ड लुकिंग है ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है? नहीं बेटा, ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग है. क्यों? क्योंकि पास्ट देख के आप फ्यूचर के एक्शंस को क्या करते हो, इंप्रूव करते हो. इज दैट क्लियर? सो एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस में जो गैप है वो अपन कहां से निकालते हैं? कंट्रोलिंग की प्रोसेस से. इज दैट क्लियर? और फ्यूचर में वो गलतियां हो या ना हो ये भी अपन कहां से डिसाइड करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. इज एवरीवन विद मी? चलिए अगला देखते हैं. क्या है बच्चों? फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड भी है बट ज्यादा क्या है? फॉरवर्ड है. परवेसिव. हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये कंट्रोलिंग का मेथड दिखेगा. Continuous. As long as your company is existing, can I say every time you will have what beta? जब तक आपकी कंपनी काम कर रही है तब तक क्या होगा? कंट्रोलिंग का प्रोसेस होगा बच्चों. क्योंकि कंट्रोलिंग के जरिए आप अच्छी प्लानिंग करते हैं. कंट्रोलिंग के जरिए आप क्या करते हैं? अच्छी. तो जब तक आप प्लानिंग, क्योंकि बच्चों पास्ट में जो गलतियां की उनको फ्यूचर में सुधारना है ना, तो फ्यूचर में सुधारोगे कैसे? प्लानिंग से. और प्लानिंग में तुमको फ्यूचर की जो प्लानिंग करोगे उसमें तुमको पास्ट की गलतियां कहां से पता चलेंगी? कंट्रोलिंग से. सो जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक क्या होगा? कंट्रोलिंग चलती रहेगी. पॉजिटिव पर्पस. पॉजिटिव पर्पस गलतियां करना या गलतियों को सुधारना? गलतियों को सुधारना इज पॉजिटिव और नेगेटिव? इट्स अ पॉजिटिव थिंग. ठीक है, चलिए. नाउ एसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस. तो बच्चों मैंने आपको बताया कि आपने सोचा था कि फाउंडेशन में आपके 350 आएंगे. आपने सोचा ही नहीं है, कुछ टारगेट ही नहीं बनाया. एग्जाम दिया, 200 आए, पास हो गए, खुश हो एकदम.
क्यों? दुखी कौन होता है? दुखी वो होता है जो उम्मीद करता है। तुमने तो साला कुछ उम्मीद ही नहीं किया था, जाएंगे एग्जाम में बैठेंगे, धप्पे से पेपर दिखेंगे, पास हो जाएंगे, खुश रहेंगे। सो कंट्रोल था ही नहीं। कंट्रोल जरूरी किसके लिए? कंट्रोल, अगर आपको कंट्रोलिंग करना है तो सबसे पहले क्या करना है आपको? अपने गोल्स एस्टैब्लिश करने। तो सबसे पहली चीज, विदाउट प्लानिंग देयर कैन बी नो कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? गोल्स। दूसरा, गोल्स को इंप्लीमेंट करना है। प्लान्स को क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। और इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? कि जितना मैंने सोचा था मैं उतना अचीव कर पाया हूं या फिर नहीं कर पाया हूं। और उसके बाद क्या लेना है आपको? करेक्टिव एक्शन। क्यों? गैप था ना, किस चीज में गैप हो गया? डिजायर्ड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में गैप था। तो आप क्या करोगे? करेक्टिव एक्शन लोगे। ठीक है, फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मतलब आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया, जिस दिन एक्शन लिया उसी दिन चेक करोगे और कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहोगे। क्या मॉनिटर करते रहोगे? कि जो गलतियां पहले की हैं वो बाद में ना हो। अच्छा कंट्रोल सिस्टम अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए जरूरी क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? फीडबैक। किस चीज का फीडबैक? एक अच्छा सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम आपको क्या करता रहेगा? गलतियां बताता रहेगा। इफ यू हैव अ गुड कंट्रोल सिस्टम, अगर आपके पास क्या है? एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम है, तो क्या होता रहेगा बच्चों? आपको पता चलता रहेगा कि आप में गलतियां, जैसे मम्मी पापा, व्हाट दे आर, बच्चों क्या है वो? वो हमेशा कंट्रोल सिस्टम है बच्चों, वो हमेशा आपको गलतियां बताते रहेंगे। बेटा तू पहले ऐसा था, तू पहले इतनी पढ़ाई करता था, पढ़ाई नहीं करता, पहले तू ऐसा था, पहले तू वैसा था। यस सर, तुम भी बोल रहे हो मम्मी तू भी पहले बहुत अच्छी थी। इसको बोलते म्यूचुअल कंट्रोल। सो एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करेगा बच्चों? आपको टाइम टू टाइम क्या देता रहेगा? आपके गलत चीजें, गलत परफॉर्मेंस का क्या कर देगा? फीडबैक देगा। प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ डेविएशन कहीं ना कहीं फीडबैक से रिलेटेड, जहां जहां पे क्या होगा? एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट में क्या होगा? गैप होगा, डेविएशन होगा, तो तुरंत क्या होगा? उसकी रिपोर्टिंग करेगा। फॉरवर्ड लुकिंग कंट्रोल, अ गुड कंट्रोल सिस्टम विल ऑलवेज गाइड यू फॉर फ्यूचर डिसीजंस। करेक्ट है, फाउंडेशन में जो गलतियां की हैं, यू आर नॉट सपोज टू रिपीट दोस गलतियां इन एग्जीक्यूटिव। फ्लेक्सिबल कंट्रोल, गोल्स अगर चेंज हुए तो कंट्रोल का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर है 100 करोड़ का, तुमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल सिस्टम लाने के लिए तुमने इंदिरा नुई को अपना सीईओ अपॉइंट कर दिया कि भाई इंदिरा नुई जो है वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रोलर है, जिसके इतना अच्छा कंट्रोल कोई एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, और उसकी सैलरी तुम दे रहे हो 40 करोड़ साल की है, घर पे खाने को नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? 100 करोड़ का टर्नओवर। तो बच्चों नहीं, आप ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम एस्टैब्लिश कीजिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? सूट करता है। कंट्रोल शुड बी इकोनॉमिकल, ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? नहीं, ये आप लोग लॉ में भी ये गलती करेंगे। ऑब्जेक्टिव वर्ड आता है तो अपने को लगता है गोल की बात हो रही। नो, इसका मतलब होता है फेयर एंड इंडिपेंडेंट, इट शुड नॉट बी पार्शियल। कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर एक सिस्टम को, हर एक डिपार्टमेंट को क्या करे? इक्वली ट्रीट करे। सिंपल, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर देना क्या है? सॉरी, इट्स अ कंट्रोलिंग ना। मैं आप लोग की परफॉर्मेंस को कंट्रोल कैसे करता हूं? सीसीटीवी कैमरा लगा दिया मैंने, क्या होगा उससे? क्या नहीं से मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं और आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो मुझे पता चलता रहेगा? किसके थ्रू? सीसीटीवी कैमरा के थ्रू। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो एक बंदा उसको क्या करता है? ऑडिट करता है। दैट पार्ट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, दैट प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल। सो इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद सजेशन, कौन सा सजेशन? करेक्टिव एक्शन की। अब आपने जो पास्ट में गलती की है वो क्यों हुई है, फ्यूचर में आप ऐसा क्या करेंगे कि वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे, इसका सजेशन मिलना चाहिए। कहां से सजेशन मिलना चाहिए? कंट्रोलिंग प्रोसेस से। उसके बाद वर्कर फोकस्ड, वर्कर फोकस्ड मतलब बच्चों क्या आपको नहीं लगता कई बार कंट्रोलिंग से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं? इट शुड नॉट हैरेस द वर्कर। साले तेरे को मैंने बोला था 50 क्रेडिट कार्ड बेच, तू 10 क्रेडिट कार्ड बेच, क्या तेरी का साले भाग यहां से। नो, इट शुड नॉट हैरेस द वर्कर, इट शुड रादर
गाइडर बेटा गणेश तमस बढ़ रहा है, मैंने तुमको बोला था कि 50 क्रेडिट कार्ड बेचो, तुमने सिर्फ 30 ही बेचे, बेटा ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने अवरोध खड़ा किया? गेटिंग माई पॉइंट? एकदम प्यार से, इट शुड बी फोकस्ड ऑन वर्कर, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर. कि साला वर्कर बोले कि क्या कंपनी है, घटिया कंपनी में आके फंस गया हूं. जब मैं क्रेडिट कार्ड बेचता था तो सेम थिंग यूज टू हैपन विद मी. शाम को हमारा बॉस आता था, मेरे से बोलता, दुष्यंत कितने क्रेडिट कार्ड बेचे? मैं बोलता सर 5. बोले डिटेल दो. मैं सर कल दूं. उसके बाद बच्चों अपना कैबिन का दरवाजा बंद करता था, मेरे को बोलता सीधे खड़े हो जाओ, और बच्चों ऐसी गालियां देता था कि मैं क्या बताऊं. कई बार आपको ऐसे लाइफ में कभी ऐसा लगे ना कि सीएस कोर्स करके तुमने कुछ गलती की है या बहुत मेहनत कर रहे हो तुम? बिलीव मी बच्चों, बिलीव मी, मैंने भी यही सोचा था कि सीएस कोर्स फालतू है, मैं अपने कम्युनिकेशन के दम पे बहुत आगे जाऊंगा. मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, यही क्रेडिट कार्ड बेचने वाला है, HSBC बैंक के. सबसे पहले तो 4 घंटे काम करने का मिलता था दिन का 100 रुपए, एक क्रेडिट कार्ड बेचा तो 50 रुपए का बोनस था. क्या लगता है क्रेडिट कार्ड बेचना आसान है? जब 500 कॉल करता था मैं, उसके बाद एक बंदा हां बोलता था, और 500 कॉल में 499 कॉल में तो बच्चों मेरे कितना खानदान को याद दिलाया जाता था, मैं क्या बताऊं आपको. माँ बहन की गालियां, अरे साले हराम खोर, मैं बहुत अर्जेंट काम कर रहा हूं, तेरे को यही टाइम मिला था फोन करने का. कौन किस हालत में होगा जब आप फोन कर रहे हो बच्चों, तो क्या पता. सो बच्चों बहुत गालियां पड़ती थी. एनीवे, नाउ मेथड्स ऑफ कंट्रोल. पहला कौन सा कंट्रोल है? ट्रेडिशनल कंट्रोल. और दूसरा कौन सा मेथड है बच्चों? मॉडर्न कंट्रोल, कंट्रोल करने के तरीके. तो ट्रेडिशनल कंट्रोल में सबसे पहला क्या है? बजटरी कंट्रोल. बच्चों बजटरी कंट्रोल इज नथिंग, इट्स अ प्लान. मैंने आपको पहले ही बताया प्लान जिसमें क्या है. वेरी नाइस बेटा. तो एक ऐसा प्लान जिसमें क्या है, नंबर्स है, मैं उसको क्या बोलता हूँ? बजट. तो आप क्या करते हैं? बजट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल राधा को मैंने दे दिया कि राधा आपको 100 क्रेडिट कार्ड बेचने हैं, ठीक है. चंदन को मैंने टारगेट दे दिया, बेटा यू हैव टू सेल 50 क्रेडिट कार्ड्स. क्या है ये? सेल्स बजट हो गया, मार्केटिंग बजट हो गया, प्रोजेक्ट बजट हो गया. हर एक चीज का क्या बनाते हैं आप? बजट बना देते हैं. प्राची हैज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 100 करोड़ रुपीज, शी इज माई प्रोजेक्ट मैनेजर. उसके बाद क्या करूंगा मैं? सबके परफॉर्मेंस को क्या करूंगा? इवैल्यूएट करूंगा. राधा आएगी, राधा तूने कितने क्रेडिट कार्ड बेचे? शील से कि सर मैंने 30 बेचे. चंदन आएगा, मैंने बोला तूने कितने बेचे? मैंने बोला सर एक ही. चंदन बोलेगा मैंने एक ही बेचा. प्राची, मैंने आपको 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बजट दिया था, प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हुआ? प्राची बोलती सर 120 करोड़ खर्च हो गए. तीनों ही मेरी लगा रहे हैं बच्चों. क्या है बच्चों ये? कंट्रोल कर रहा हूं ना, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने अपने काम को निष्ठा और ईमानदारी के साथ क्रियान्वित नहीं किया है. या तो ये पुराना मेथड है बच्चों. कौन सा मेथड बच्चों? बजटरी कंट्रोल. तो इसमें अलग अलग टाइप के. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल? बच्चों कुछ नहीं, प्लान है, और प्लान के साथ क्या है? एक टारगेट नंबर है, मतलब देयर इज अ प्लान एंड प्लान इज सपोर्टेड बाय व्हाट नंबर? 50 क्रेडिट कार्ड्स. बजटिंग का फायदा क्या है, पर्पस क्या है बजटिंग का, बताइए बच्चों. कैन आई से प्लान विथ नंबर इज बेटर देन नॉर्मल प्लान? मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट रखता हूं कि चंदन विल पास विथ 300 मार्क्स. आपको ज्यादा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट कौन सा लगता है? चंदन वुड पास विथ 300 मार्क्स इज मोर कॉन्क्रीट स्टेटमेंट बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय नंबर. तो बच्चों प्लान को ज्यादा पर्पसफुल क्या बनाता है? वेरी नाइस, मतलब बजट. क्या ना इसे क्या मैं बोल सकता हूं? बजट इज अ मोर पर्पसिव प्लान. बजट इज अ पर्पस ओरिएंटेड प्लान. क्या मैं ये बोल सकता हूं? ओके. कोऑर्डिनेशन, क्या बजट से कोऑर्डिनेशन हो जाएगा? पता नहीं. जब तुम सबको मैंने बोला था फर्स्ट डे कि तुम सब मिलके काम करोगे, हमको यही पूरा बैच वी वांट इन एग्जीक्यूटिव, वी वांट ऑल ऑफ यू टू पास, उस दिन से क्या सब गलती, सब झगड़े चालू हो गए? अनुष्का ने बोला कि नहीं, अब मैं राधा से दूर बैठूंगी, मैं अकेली जाऊंगी एग्जीक्यूटिव में. ये होती कौन है साली, कल की लड़की है. राधा बोलती है, आलिन प्राची बोलती है दूर जा, दूर जा, दूर हट, मैं अकेली जाएगी एग्जीक्यूटिव में.
नो, जब मैंने आपको कहा कि वी ऑल हैव टू गो टुगेदर इन एग्जीक्यूटिव, दैट माइट इंक्रीज व्हाट, कोऑर्डिनेशन, कि बहन अपन अब सखी बनेंगे, यस और नो, नाउ वी विल हैव टीम वर्क, वी विल हैव मोर टीम वर्क बिकॉज वी हैव टू रीच, वी सर हैज गिवन अस अ टारगेट एंड वी हैव टू रीच टू दैट टारगेट. गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन? करेक्टिव एक्शंस, ऑब्वियसली जब बजट में समझ में आता है गलती हुई है तो क्या करते हो, 50 क्रेडिट कार्ड बेचते थे, चंदन ने एक ही बेचा, 49 क्यों नहीं बेचे, बोले सर हमको सब गोली दिया. अरे मैंने बोला गोली दिया तो तूने गोली क्यों लिया, मैंने कौन सा गोली दिया, तो बोलता है सर कोई बोला परसों आना, नर्सों आना, कोई बोलता है मैं घर पे नहीं हूं, कोई बोलता है अभी मेरी बीवी बाहर गई है. मैंने अबे गाली कौन सा दिया, तो बोलता सर गाली नहीं गोली दिया, गोली. अच्छा मैंने बोला गोली दिया, मैंने बोला बंगाली है तू. चलिए चलिए, टाइप्स ऑफ बजट, ये सारे अलग अलग टाइप में बजट बना सकते हो. व्हाट इज मास्टर बजट बच्चों, ओए व्हाट इज मास्टर बजट, सारे बजट्स को कंबाइन करके क्या बना दो आप, एक मास्टर बजट में समराइज वे में लिखा होगा कि मार्केटिंग का बजट क्या है, सेल्स का बजट क्या है, सारे बजट्स को कंबाइन करके आप क्या बनाते हो, मास्टर बजट. तो ये पहली टेक्निक हो गई. पहली टेक्निक कौन सी हो गई, नहीं पहले टेक्निक हुई बजेटरी कंट्रोल, ट्रेडिशनल मेथड की बात करो. दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ये ग्लास 40 रुपीज में बनता है, कितने बनता है, चलो स्टार्ट करो, विल स्टार्ट विद प्रसाद, प्रसाद ना आकाश, सो विल स्टार्ट विद आकाश. आकाश ने ये ग्लास बनाया 70 रुपए में, कितने में, क्या हुआ बच्चों, आकाश ने ये ग्लास कितने बनाया, 70 में, तो क्या हो गया, अरे क्या हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अरे बुरा हुआ भाई, ये स्टैंडर्ड जो कॉस्ट था इसका, इसको मीट नहीं कर पाया. तीसरा रेशियो, फाइनेंशियल रेशियोस. तीसरा क्या है बच्चों, फाइनेंशियल रेशियोस. फाइनेंशियल रेशियोस क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम फाइनेंशियल रेशियो के आधार पर भी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, जज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल EPS, पता है आपको, छोड़ दो, नहीं कोई नहीं हो, कुछ होता ही नहीं ऐसा, तो मुझे ध्यान से देखिए, छोड़ दिया. सो कई बार हम लोग किसी परफॉर्मेंस को जज कैसे करते हैं, रेशियोज के तहत. एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे, कंपनी अगर 100 रुपए का आइटम माल या सामान बेचती है तो 10 रुपए कमाती है, कितने का, सो या हाँ करेक्ट, तो 9:1 100:1 का क्या बन गया, रेशियो बन गया 100:10. 100 का सामान बेचा तो प्रॉफिट कितना कमाएगी, 10. सो अगर मान लो इस साल कंपनी ने साला 500 रुपए का सामान बेचा बट 25 रुपए ही कमाया, इसका मतलब क्या है, क्या कंपनी ने अपने रेशियो, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो था, उसको मीट किया या नहीं किया, नहीं किया. मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस साल अच्छा था या खराब था, ये अपने को पता कहां से चला, रेशियोस के थ्रू. तीसरा क्या है, इंटरनल ऑडिट. व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, सुनो मेरी, सुनो. एक बंदे के द्वारा किया गया काम ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा चेक करता है. मैं पढ़ा के गया, मेरे पढ़ाने के तुरंत बाद सोपान सर आ गया और तुमसे पूछे, अरे दुष्यंत ने इंटरनल ऑडिट पढ़ाया क्या, बोल बे क्या होता है, सर ने बजटरी कंट्रोल बताया क्या, बात में क्या होता है. सो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज एक्चुअली कंट्रोलिंग. फिर ये बोलते हैं, नहीं दुष्यंत सर ने तो कुछ पढ़ाया नहीं, आए थोड़ा सा गाना वाना सुनाया, एक दो डांस किया और चले गए, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया कि तुम लोग अच्छे दिखते हो, अच्छे हो, स्मार्ट बनो, कूल बनो, और अब चले गए. तो क्या होगा, सपान सर बोलेंगे आज दुष्यंत का मैं कर दूंगा अंत. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सो वट आई एम डूइंग, वट इज ही डूइंग, इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट एक सिस्टम होता है जहां पे एक बंदे के द्वारा किया गया काम दूसरा बंदा, जो बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है, तो बेसिकली क्या होता है, वो क्या करता है, चेक करता है. तो ये भी एक तरीका है इंटरनल कंट्रोल का. अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना. ब्रेक इवन एनालिसिस, इधर देखो, इधर पीसीओ. व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, नो गेन नो प्रॉफिट, इक्विलिब्रियम, बैलेंस. सो ब्रेक इवन एनालिसिस भी एक टेक्निक है किसकी, कंट्रोलिंग. एग्जाम्पल के तौर पर, ये प्रोडक्ट बन के रेडी है, इसकी कॉस्टिंग है 10 रुपए, कितनी है, ठीक है. अब बच्चों मैंने चैतन्य से कहा कि पिताजी
इस रिमोट को आप 10 रुपए में बेच देना, 10 रुपए के कितने भी ऊपर बेचा चलेगा, बट कम से कम कितने बेचना। चंदन भाई साहब, चेतन ने इस रिमोट को 8 रुपए में बेच किया है, क्या होगा? Could he achieve the break even? मैं तुमको कहा कि देखो बच्चों, एग्जाम में जाना बिना टेंशन के, एग्जाम देना बहुत अच्छी बात है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग काफी होनहार बच्चे हो, ठीक है, और कुछ भी कर लेना, 200 तो ले आना बस। दो कंडीशन है, 200 पूरा मिला के और एक में 40, एक सब्जेक्ट में मिनिमम कितना 40 बस, बाकी ऊपर जाकर ऊपर ऊपर अपन देखेंगे, बट कम से कम कितना ले लेना, 200 क्या है अपना, इट्स अ ब्रेक इवन, क्या है अपने लिए, बस तुम लोग उतना कर देना, बाकी मैं संभाल लूंगा आगे पीछे। तन्वी आती और सर बोलती माला 190 पढ़ ले, मेरे को 190 आया है, क्या मैं हड्डियां ब्रेक कर सकता हूं बच्चों? सो कंट्रोलिंग नहीं, समझो मतलब इसके हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में क्या है, गैप आ गया, क्यों आ गया, बिकॉज वी कुड नॉट अचीव, व्हाट वी कुड नॉट अचीव इज ब्रेक इवन, तो हम अचीव ही नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल? बच्चों कुछ नहीं है, आप लोगों के अलग अलग परफॉर्मेंस को किसके थ्रू दिखाते हो, लोगों की परफॉर्मेंस को किसके थ्रू, मैं ग्राफ्स के थ्रू दिखाते हो, और ग्राफ्स के थ्रू क्या करते हो, मेजर करते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लास्ट ईयर 2010 में हमारा ये टर्न्स है, 10 टर्न्स, 20 टर्न्स, 30 टर्न्स, सो इन द ईयर 2010 अपन ने कितना मैन्युफैक्चर किया था, 30 टर्न्स। इस साल अपन ने मैन्युफैक्चर किया 2011 में कितना टन, 20 टन्स। एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस अच्छा हुआ खराब हुआ कहां से पता चल रहा है, ग्राफ्स के थ्रू, इज दैट क्लियर? तो ये सारे कौन से तरीके हैं, ये है स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, ठीक है। नाउ अब मैं कौन से मेथड की बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा ऐसे मेथड्स जो नॉन ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल मतलब मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है। नाउ इसके अंदर सबसे पहली जो बजटिंग होती है, तो मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है बच्चों, ये भी कंट्रोलिंग का तरीका है, और इसके अंदर सबसे पहला तरीका है कौन सा, जीरो बेस्ड बजटिंग। क्या होता है जीरो बेस्ड बजटिंग, गॉट मी? अबे नाम, गॉट मी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, नाम देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग। संकेत क्या है, संकेत नहीं है ये, जीरो बेस्ड बजटिंग, सुनो ध्यान से मैं बताता हूं, नाम नाम देखो, जीरो बेस्ड बजटिंग। अच्छा एक चीज बताओ, अपन जैसे बजट बनाते हैं तो अपन पास्ट का कुछ ना कुछ डेटा, लास्ट ईयर का कुछ ना कुछ देखते हैं कि भाई लास्ट ईयर अपना सेल्स कितना है, मुझे इस बार सेल्स का बजट बनाना है, तो लास्ट ईयर मेरा 100% से, लास्ट ईयर मेरा 100 करोड़ का सेल हुआ था, तो जब मैं इस साल का सेल फोरकास्ट करूंगा, सेल का बजट बनाऊंगा कि इस साल मेरा सेल कितना होना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता मैं कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो ध्यान में रखूंगा, कुछ ना कुछ तो एक बेस रखूंगा, मतलब इस साल का सेल बजट बनाने के लिए आई विल कंसीडर द लास्ट ईयर का सेल फिगर, हाँ या ना? बट व्हाट हैपेंस इन जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग बेसिकली मैं पूरा रिसर्च करता हूं फ्रॉम स्क्रैच, मैं अपने कंपनी का प्रोडक्ट देखता हूं, उसकी मार्केट में स्टैंडिंग देखता हूं, सब कुछ करता हूं, मतलब मैं लास्ट ईयर का बेस, लास्ट ईयर के कोई भी फिगर्स को, लास्ट ईयर के कोई भी डेटा को मैं इस बार कंसीडर नहीं करूंगा, मैं ऑल अफ्रेश, मैं फिर से देखूंगा कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, सब कुछ मैं रिसर्च करूंगा, और उसके आधार पे कस्टमर उस प्रोडक्ट को कितना पसंद करता है, इन सब के आधार पे मैं क्या करूंगा, इन सब के आधार पे मैं क्या करूंगा, अरे क्या करूंगा, प्रोजेक्टेड सेल, सेल बजट बनाऊंगा कि इस साल कम से कम अपन 500 करोड़ का माल बेचेंगे, हो गया बजटिंग बन गया। अब मैं अपने प्लान को क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, और इंप्लीमेंट करने के बाद देखा साला मैंने कितने करोड़ का सेल किया, 400 करोड़। सो जीरो बेस्ड बजटिंग में मैंने लास्ट ईयर का डेटा कंसीडर किया, इग्नोर किया, और उसके बाद मैंने पूरा रिसर्च करके स्क्रैच से एक एक पॉइंट को कंसीडर करके मैंने बजट बनाया, और इस साल मैंने कितने करोड़ का खर्चा किया, 400 करोड़ का सेल किया, कितने का गैप आ गया,
100 करोड़ का क्या आ गया, गैप आ गया, क्या करूंगा, प्लान परफॉर्मेंस आ गया, प्लान बजट आ गया, एक्चुअल में अचीव क्या हुआ वो पता चल गया, नाउ व्हाट यू कैन डू। अब आप करेक्ट इवैल्यूएशन कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि फ्यूचर में कौन सी गलतियां हैं जो आप करने वाले नहीं है। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है क्या। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपको क्या करना होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या ना इसे कंप्लीटली आपको क्या बनाने होते हैं, न्यू प्लान्स, न्यू ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग में, पिछला डेटा कंसीडर किए बिना। चलिए दूसरा कौन सा मेथड है बच्चों, नेटवर्क एनालिसिस। और नेटवर्क एनालिसिस में सबसे पहला मेथड है क्रिटिकल पाथ मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों नेटवर्क एनालिसिस में, क्रिटिकल पाथ मेथड। कैन समवन लेट मी नो अबाउट क्रिटिकल मेथड, अगर थोड़ा सा आपको कुछ बताओ। ओके ध्यान से देखिए, वेरी गुड, ध्यान से देखिए, ए बी डी और ई, प्लीज हियर एवरीवन व्हाट सी, इंपॉर्टेंट का तो नहीं पता मुझे बट जानोगे तो अच्छी बात रहेगी। मैं बात कर रहा हूं कंट्रोल की, कंट्रोल मॉडर्न मेथड ऑफ कंट्रोलिंग का, उसके अंदर एक आता है क्रिटिकल मेथड प्रोसेस या क्रिटिकल पाथ मेथड। ये क्या है बच्चों, ए क्या है, दिस इज प्रोसेस, और ई क्या है मेरा, अल्टीमेट रिजल्ट, मेरा आउटपुट। क्रिटिकल पाथ मेथड में सिर्फ मैं क्या जानने की कोशिश करता हूं कि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए मैं, मतलब कोई भी काम को मैं कितने कम से कम समय में क्या कर सकता हूं, कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, सो ए, एक मिनट, ए वाली प्रोसेस, ए से बी में जाने में मुझे ये एक प्रोसेस है, इसमें मुझे कितने लगते हैं, 50 घंटे। ए से सी वाले काम में जाने के लिए मुझे लगते हैं 10 आवर्स। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, ये मेरा काम है। उसके बाद बी और सी जब कंप्लीट होता है तो मैं कहां पे आता हूं, बी और सी जब कंप्लीट होता है तो मैं कहां पे आता हूं, डी में आता हूं। डी में पहुंचने के लिए मुझे लगते हैं 10 आवर्स, और सी से डी में जाने के लिए भी मुझे लगते हैं 10 आवर्स, और डी से ई में जाने के लिए मुझे क्या लगते हैं, 12 आवर्स। ये ई क्या है, ई इज माई एक्चुअल आउटपुट, ई इज माई। तो आप एक, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के फॉर्म में बताऊं, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल है, ए स्टेज ए में क्या आ गया, रॉ मटेरियल आ गया। अब रॉ मटेरियल को मुझे क्या करना होता है, छानना होता है, क्या करना होता है, छानना होता है, प्योरीफाई करना होता है। उसमें कितने घंटे लगते हैं, उसमें 50 घंटे लगते हैं। तो आधा रॉ मटेरियल को छानना पड़ता है, उसमें मुझे 50 घंटे लगते हैं, और जो आधा रॉ मटेरियल है उसको मुझे पैक करना होता है, उसमें कितने लगते हैं, 10 घंटे। तो बी और सी से क्या निकलता है, बी और सी से एक्चुअली में क्या आता है, डी। यस, बी और सी से क्या आता है, डी। उसके बाद पैकिंग और छनने के बाद यहां पे क्या, सॉरी, यहां पे प्योरीफाई होता है, और यहां पे रॉ मटेरियल को क्या कर किया जाता है, पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद 10 घंटे, मतलब छनने के, प्योरीफाई होने के बाद कितने घंटे, 10 आवर्स उसको गर्म करते हैं। उसके बाद जो रॉ मटेरियल को पैक करना है उसको, उसको कुछ तो फैब्रिक लोहे में गर्म करना पड़ता है, वहां पे कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे। और उसके बाद डी प्रोसेस में क्या पहुंच गया, रॉ मटेरियल पहुंच गया जो क्या है, एकदम प्योरीफाइड है, प्लस पैकिंग के लिए क्या है, तैयार है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं प्रोसेस बता रहा हूं। और अल्टीमेटली, अल्टीमेटली डी के बाद उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कलर करते हैं, और ई में अपना क्या होता है, आउटपुट रेडी हो जाता है। तो मैंने आपके सामने क्या क्या लिखा है, इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, जो आउटपुट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, कलर्ड मीथेन नाइट्रेट गैस सिलेंडर, दिस इज माई आउटपुट। सुनो, दिस इज माई, लेकिन अब इस आउटपुट को बनाने के लिए मेरे पास क्रिटिकल पाथ क्या है, इस आउटपुट को बनाने के लिए मेरे क्रिटिकल पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ क्या था, ये जीरो, जीरो मतलब रॉ मटेरियल। उसके रॉ मटेरियल को क्या करना, प्योरीफाई करना, रॉ मटेरियल को क्या करना, पैकेज करना, उसके बाद उनको गर्म करना, और उसके बाद उससे प्रोड्यूस। ये सब क्या है बच्चों, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, ई तो छोड़ दो, ई इज आउटपुट, ए बी सी डी क्या है, क्रिटिकल पाथ्स हैं। एग्जैक्टली, और बच्चों कहना इसे, मैंने सारे क्रिटिकल पाथ को क्या किया है,
नंबर ऑफ आर्स में डिवाइड कर दिया है, नंबर ऑफ आर्स में स्पेसिफाई किया है, ओया बच्चों ये जो 50 आर्स हैं, 60 आर्स हैं, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। मैं क्या देखता हूं कि क्या मैं वो, अब जो भी बंदा फॉर एग्जाम्पल अभी ये पूरा प्रोसेस कौन संभाल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर आकाश। अब आकाश बराबर करता था ये सब इतने आर्स के अंदर। अब मैंने प्रज्वल को अपॉइंट किया, तो क्या प्रज्वल ये पूरा टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, कंप्लीट कर पा रहा है, मतलब पूरी। अब आप इसमें एक और चीज, अब ये प्रोसेस एक और चीज बोलते हैं, अगर मैं थोड़ा सा अगर डीप में जाऊं, जो एमबी वाले पढ़ते हैं, ये एक्चुअली एमबी के पार्ट में होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है ना, यहां तक बी और सी तक कितने आर्स होते हैं, बी और सी में 60 आर्स होते हैं, हाँ है ना, बट एक्चुअली इट शुड नॉट बी 60 आर्स, इट्स 50 आर्स। बी और सी दोनों ही प्रोसेस 50 आर्स में कंप्लीट होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब आपका बी वाला काम चल रहा होगा 50 घंटे का, तो सी वाला 10 घंटे का तो चल ही रहा होगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जब मेरा वो 50 घंटे का काम चल रहा होगा, जब यहां पे रॉ मटेरियल को प्योरीफाई करने का काम चल रहा होगा, उसमें मेरे को 50 घंटे का काम है, तो 10 घंटे का काम क्या है, उसी दौरान मैं एक साथ अपना क्या स्टार्ट करूं, उसी दौरान मैं अपने रॉ मटेरियल को पैक करने का काम शुरू रखूं ना 10 आवर्स का। समझ में आ रहा है, तो एक अच्छा मैनेजर क्या करेगा, 60 आवर्स में कंप्लीट करेगा या 50 आवर्स में कंप्लीट करेगा। गॉट माई पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पाथ मेथड, किसी काम को करने का सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन फ्रेम करना इज क्रिटिकल पाथ मेथड। उसके बाद ये हो गया 60 आवर्स, बच्चों इज एवरीवन विद मी नाउ। उसके बाद 60 आवर्स के बाद ये 10 आवर्स, ये 10 आवर्स, डी में जाना है तो उसके लिए 10 आवर्स का प्रोसेस है, तो ये एक्चुअली में 20 होना चाहिए या 10 ही होना चाहिए। वेरी नाइस, क्यों 10 होना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल सकती है, yes. और उसके बाद कितना, उसके बाद ई में जाने का कितना है, 12 आवर्स। तो स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड, मतलब एकदम स्टैंडर्ड टाइम क्या आएगा, सारे क्रिटिकल पाथ कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या आएगा, ए से बी और सी, वहां से डी और वहां से ई। तो ए से, ए में 0 था, बी और सी में कितना था, 50 था, क्योंकि एंड इट इंक्लूड्स 10 हा। उसके बाद नेक्स्ट कितना था, 10, नेक्स्ट कितना था, 12, तो 50 और 10 60 और 12 72 आवर्स में पूरा प्रोसेस कंट्रोल होना, पूरी क्रिटिकल पाथ, किसी भी काम को करने के क्रिटिकल पाथ कितनी देर में कंप्लीट होने चाहिए, 72 आवर्स में। और इस आधार पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोलिंग करूंगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, श्योर बच्चों? नाउ सो ये क्या हो गया, ये नेटवर्क एनालिसिस के तरीके हैं। तो पहला नेटवर्क एनालिसिस के अंदर पहला कौन सा मेथड आ गया, क्रिटिकल पाथ मेथड। दूसरा कौन सा है बच्चों, पर्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। बेसिकली इसमें भी हम क्रिटिकल मेथड जैसा ही है, बट इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ये कब होता है बच्चों, जब कंपनी क्या करती है, कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक करती, क्या करती है, सुनो ध्यान से, तो मेरी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिल गया, ये मॉडर्न टेक्निक है। सो मेरी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिल गया, तो मेरी कंपनी क्या करती है, व्हाट डज माय कंपनी डू, अब उस प्रोजेक्ट का पूरा निकालती, यस, पूरा प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितना आएगा, मेरे पूरे प्रोजेक्ट का टाइम फ्रेम, मेरे पूरे प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज कितने लगेंगे, अल्टरनेट टाइम फ्रेम, अल्टरनेट टाइम फ्रेम मतलब मैंने टाइम फ्रेम तो 12 महीने का रखा था, बट अगर बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो मैं 12 महीने नहीं, तो मैं कितने महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, 15 महीने। कॉस्ट, मेरा पूरा प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करूंगा कितने करोड़ में, 100 करोड़। रिसोर्सेज, मैन कितने लगेंगे, मशीन्स कितनी लगेंगी, इन सब का एस्टिमेट बनाना, और उसके बाद इन सब चीजों को क्या करना, इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना, रिव्यू करना, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम मतलब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए पहले क्या करना, बजट बनाना, उसके बाद बजट को इंप्लीमेंट करना, उसके बाद क्या करना, रिव्यू करना और देखना कि कौन कौन सी गलतियां की है। इज दैट क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है बच्चों, मैनेजमेंट ऑडिट। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट, कैन समवन लेट मी नो, सॉरी बेटा, अच्छा मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाएगा, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन आ जाएगा। अब बेसिकली कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएगा प्लस कौन आ जाएगा, कंपनी के सीनियर लेवल के लोग, करेक्ट है, ये हो गया मैनेजमेंट। अब इनका क्या करना है, ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चेक, इंडिपेंडेंट चेक टू प्रोवाइड एंड
अश्योरेंस. ऑडिट का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चेक करना. किस लिए चेक करना? अश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए. बच्चों आपने देखा होगा कि कई ऐसे मैनेजमेंट है कंपनी के, कई ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीनियर लेवल के लोग हैं बच्चों, जो एकदम लापरवाही से काम करते हैं. क्यों लापरवाही से काम करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो सबसे सीनियर है, उनका उनकी परफॉर्मेंस को कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है. सो दे वर्क, बट दे वर्क रेकलेसली बिकॉज दे नो देयर इज नो वन यू नो हु इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस टू देम. सो मैनेजमेंट ऑडिट एक नया तरीका है कि भाई हम मैनेजमेंट, ये देखिए ट्रेडिशनल पुराने लोग नहीं करते थे, ये मॉडर्न तरीका है कि इवन मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल. मैनेजमेंट भी क्या है? जिम्मेवार है. सो अब मैनेजमेंट को भी क्या देना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट ऑडिट में हम कंपनी के अंदर के लोग तो नहीं, हम बेसिकली किसके ऊपर रिलाय करते हैं? किसी अंदर के आदमी के या आउटसाइड एक्सपर्ट को? आउटसाइड एक्सपर्ट के ऊपर रिलाय करते हैं, जो क्या करेगा? ओवरऑल मैनेजमेंट फंक्शंस को क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कौन कौन से डिसीजन लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिए गए डिसीजन कितने प्रभावी थे, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन से कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी ड्यूटीज को बराबर से डिस्चार्ज किया या नहीं किया. इकोनॉमिक फंक्शन, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, कंपनी के शेयर प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, क्या कंपनी में सही डायरेक्टर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन स्टाफ सही लोग हैं या नहीं है, क्या कंपनी की अर्निंग अच्छी है, क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स को बराबर सर्व किया था, शेयर होल्डर को बराबर सर्व किया था मतलब उनको जनरल मीटिंग का नोटिस देना, उनको एजीएम में बुलाना, उनको उनको डिविडेंड देना, उनके साथ सारी जानकारियां क्या करना, शेयर करना. क्या कंपनी आरएनडी में पैसा खर्च करती है? आपको पता है आजकल की दुनिया में, आज की इनफैक्ट बिजनेस वर्ल्ड में आरएनडी पे पैसा खर्च करना इज वेरी एसेंशियल. उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों? डायरेक्टरेट एनालिसिस. व्हाट इज डायरेक्टरेट एनालिसिस? क्या हर एक डायरेक्टर ने अपने स्किल्स को, अपने क्वालिफिकेशंस को अपग्रेड करने का काम किया? फिजिकल पॉलिसी, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी. कौन सी पॉलिसी बच्चों? मॉनेटरी पॉलिसी. क्या डायरेक्टर्स ने मॉनेटरी पॉलिसी सही बनाई कंपनी के पैसों को यूज करने का? क्या डायरेक्टर्स, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेतृत्व में, क्या मैनेजमेंट के नेतृत्व में कंपनी के प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई? कंपनी ने ज्यादा प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन बढ़ा, कम कॉस्ट में खर्च लागत कम हुई. उसके बाद बच्चों हर एक डायरेक्टर को, हर एक डायरेक्टर नहीं, सीनियर मैनेजमेंट के हर आदमी को इंडिपेंडेंटली भी क्या करना चाहिए? आपको इवैल्यूएट करना चाहिए. सो ये सारे क्या है? ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे आप डिसाइड करते हो कि मैनेजमेंट ने साल भर में परफॉर्म कैसा किया. अच्छा कब होगा, उत्कृष्ट कब होगा मैनेजमेंट ऑडिट? जब कौन करेगा? ये कंपनी के अंदर के लोग या बाहर के लोग? बाहर के लोग. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, याद रखना दो बच्चों. Can I say without planning, controlling cannot exist? Plan के बिना control हो ही नहीं सकता, because आपने decide ही नहीं किया था, आपने सोचा कि मैं pass हो जाऊं, pass हो गया तो चलो ठीक है. लेकिन जब आपने standard goal बनाया था कि मेरे को इतना gain करना है, मेरे को 350 लेके आना है, और अगर 350 नहीं आए तो फिर आप controlling करते हो. तो बच्चों हमेशा याद रखना, there can be no controlling without what? Planning. Is that clear? चलिए. So, please, मेरे हिसाब से ये चैप्टर आज अच्छे से घर जाके क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा. आई एम श्योर कि अगर आपने इतना भी पढ़ लिया जितना मैंने पढ़ाया तो यू विल गेट फुल मार्क्स. सॉरी बेटा. नाउ दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. प्लीज हियर, अगर आप चाहो, आप मत चाहो अभी तो कुछ. सो अभी यू हैव इकोनॉमिक्स का लेक्चर, मैं कल एक टेस्ट ले लूंगा आपको इसके ऊपर, तो आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ के आइएगा. And you can see we have covered everything from module. Module का हमने एक भी चीज छोड़ा नहीं है, आप चेक कर सकते हैं.